दीक्षा का मतलब ही यही है। पहले क्षा लेते हैं, क्षा माने क्षीयते, क्या पूर्ण तरह से हमारे भीतर मल आवरण विक्षेप है, इसका क्षय हो जाना, जिससे हमारी चेतना पर एक पर्दा पड़ी है, मन में विक्षेप है, माने बेचैनी, शरीर में मल है, जिससे मल आवरण विक्षेप तीनों समाप्त हो जाए और जिससे धृति प्रज्ञा बुद्धि सब जागे, वो दीक्षा है। तो वो दीक्षा तो मिल ही गई आपको। दीक्षा में तीन तरह की दीक्षा है। एक दीक्षा तो कहते हैं कि शक्ति दीक्षा, शक्ति से कुछ आनंद मिलता है, और यहाँ तो वो तो मिलता ही है, तभी तो लोग आते हैं इसमें। जब अंदर आते ही कुछ शक्ति महसूस होता है कि नहीं, बताओ? हाँ, कोई कोई सिर पे हाथ रख के या ऐसे करके देख के शक्तिपात करते हैं। यहाँ शक्तिपात का ऐसे ही होता, शक्तिपात माने ऐसा है जैसे टॉर्च लाइट लेके एक जगह लाइट डालना, मगर एक और तरह की शक्तिपात है, जैसे सूरज आया तो एकदम प्रकाश सब जगह फैल गया, चांद निकला तो दूध जैसे प्रकाश फैल गया। अपने यहाँ तो ये दूसरी तरह की शक्तिपात है। जो भी जब क्रिया करते हो, उससे पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन में फर्क है। आप एक क्षण के लिए आप सोचो, आप बेसिक कोर्स करने से पहले, क्रिया करने से पहले आपकी मन की स्थिति कैसे रही? वही व्यक्ति हो क्या आज? कितने लोगों को ऐसा लगता है, ये ज्ञान पाने से पहले जो व्यक्ति था, अब जो व्यक्ति है, इनमें अजगजांतर है, माने जमीन आसमान का फर्क है, इतना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, माने दीक्षा होगी, शाक्त दीक्षा होगी। फिर जब मन में समर्पण भाव उठता है, वो शांभवी दीक्षा हो, दूसरी दीक्षा हो जाती। मन में समर्पण आता है तो अपना काम हो जाता है कि नहीं? कितने लोगों का काम हो जाता है, जो चाहते सो हो जाता है, जो सोचते उससे पहले वो काम हो जाता है, सिद्धि, ये दूसरी दीक्षा हो गई। फिर सहज तो लेते हैं वो मंत्र दीक्षा, मंत्र भी मिल गया, मंत्र लेके बैठते हैं, मन ऐसे शांत हो जाता एकदम, तो अंदरूनी सुकून महसूस होने लगता है, मंत्र दीक्षा हो गई। तो मान लेना आपको दीक्षा मिली गई।